चलिए बात कर रहे दिग्गजों की, तो बात की जाए अमित शाह की गांधीनगर सीट की। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी साल 1998 से इस सीट पर जीतते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ गांधीनगर सीट से डॉक्टर सीजे चावड़ा को मैदान में उतारा है। बीजेपी का गढ़ है गांधीनगर। गांधीनगर सीट बीजेपी के लिए अभेद्य किला रही है। वर्तमान समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सांसद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही गांधीनगर सीट बीजेपी के लिए हमेशा से ही विजय की गारंटी रही है। पार्टी वर्ष 1989 से लगातार इस सीट पर जीत हासिल करती आई है। गांधीनगर सीट पर 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था और उसमें कांग्रेस को विजय मिली थी। इसके बाद वर्ष 1971 के चुनाव में कांग्रेस, 1977 के चुनाव में जनता दल और 1980 में कांग्रेस को जीत मिली। साल 1989 के चुनाव में बीजेपी के नेता और बाद में राज्य के सीएम बने शंकर सिंह वाघेला ने गांधीनगर सीट पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इस सीट पर भगवा परचम लहरा रहा है। वर्ष 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी और 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद 1998 से लेकर अब तक आडवाणी ने सीट का प्रतिनिधित्व किया है। पार्टी ने अब उनकी जगह पर शाह को उम्मीदवार बनाया है।